आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। दावत 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 का नाम सुनते ही चेहरा चमक उठता है। दावत की अंग्रेजी क्या होती है इतने तरीके से मैंने बताया है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दावत की सीधी अंग्रेजी फीस्ट है, FEAST। नाउन भी है, वर्ब भी है ये, और दूसरे शब्दों में आजकल बोला जाता है ट्रीट। देखें, सबसे पहले मैं लेता हूं ब्रेकफास्ट को। ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं? फास्ट माने होता है ब्रेक, ब्रेक माने होता है तोड़ना। जब रात भर हम भूखे होते हैं और सवेरे जो भी कुछ खाते हैं वो सब ब्रेकफास्ट कहलाता है। रिफ्रेशमेंट यानी ये भी नाश्ता है और ये भी नाश्ता है। रिफ्रेशमेंट में अंतर क्या है फिर? रिफ्रेशमेंट उसे कहते हैं जो शाम के 4 बजे लिया जाता है, यानी पुनः अपने आप को ताजा करने के लिए जो नाश्ता लिया जाता है उसे रिफ्रेशमेंट कहते हैं। अब समझिए डाइट किसे कहते हैं। डाइट डाइटिशियन द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा जो डाइट लिखी जाती है, जो आपका भोजन लिखा जाता है वो डाइट कहलाता है, जो ज्यादातर वजन कम करने के लिए होता है या किसी बीमारी के लिहाज से लिखा जाता है। देखें सेंटेंस, ही इनवाइटेड मी टू ए फीस्ट, उसने मुझे दावत पर बुलाया। इनवाइट के बाद आएगा टू, ध्यान रखना। ही इनवाइटेड मी टू ए फीस्ट, उसने मुझे दावत पर बुलाया। ही इनवाइटेड मी टू ए वेडिंग फीस्ट, शादी की दावत पर बुलाया। वेडिंग फीस्ट माने शादी की दावत। दावत खाना फीस्ट से ही बनेगा, दावत खाना। दे फीस्टेड ऑल द डे, सारे दिन उन्होंने दावत खाई। माई फैमिली हैड ए सम्प्टुअस, सम्प्टुअस माने वैभवशाली, बहुत शानदार, महंगा। माई फैमिली हैड ए सम्प्टुअस फूड एट द वेडिंग, शादी में हमने बहुत महंगा वाला खाना खाया, 5-स्टार होटल था वो। बैंक्वेट, बैंक्वेट माने क्या होता है ये समझ लें। बैंक्वेट हाल भी कहलाता है, अर्थात उसमें भाषण देने की भी जगह हो, स्पीच दी जा सकती है। जैसे फेयरवेल पार्टी है, तो खाना भी है और स्पीच भी है। बैंक्वेट दावत प्लस भाषण। आई अटेंडेड ए बैंक्वेट इन ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने प्रेसिडेंट के सम्मान में एक दावत खाई थी या अटेंडेड की थी या दावत खाई थी। अब देखें रिगेल, रिगेल दावत देकर किसी को प्रसन्न करना। रिगेलमेंट माने दावत होती है, ये एक नाउन है, रिगेल एक वर्ब है। द गेस्ट वर रिगेल्ड विद डेलिशियस फूड, यानी डेलिशियस माने स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन के साथ द गेस्ट वर रिगेल्ड, प्रसन्न किए गए, दावत देकर प्रसन्न किया गया गेस्ट को, मेहमानों को। कराउजल, कराउजल शराब की दावत को कहते हैं, आप समझ लें एक एक चीज को। कराउजल शराब की जो दावत होती है उसको कहते हैं। वी हैड ए कराउजल लास्ट नाइट, कल रात हमने शराब की दावत ली, यानी शराब ही शराब, मत खूब जम के पीना जिसमें। जंकेट, जंकेट ऐसी दावत है जो ऑफिस, जैसे ऑफिस में होते हैं तो ऑफिसर्स जो होते हैं वो दूसरे के पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से दावत उड़ाते, लोगों के पैसे से दावत उड़ाते, जनता के पैसे से दावत उड़ाना कराउजल जंकेट कहलाता है, जनता के पैसे से दावत। सम लीडर्स एंजॉय ए जंकेट, अर्थात कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जनता के पैसे से दावत उड़ाते हैं, या सम ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं। रिपास्ट माने भोज होता है, देर वाजे रिपास्ट इन द हॉल, हॉल में एक दावत थी, भोजन था, भोज था, डिनर रात के भोजन को कहते हैं। इट इज टाइम फॉर डिनर, ये डिनर का समय है। सफर किसे कहेंगे फिर? सफर सोने से पहले थोड़ा सा दूध लेना, चाय लेना या कुछ चीज लेना या जूस लेना कोई, सोने से पहले आखिरी भोजन है ये, सफर कहलाता है। डू यू वॉन्ट टू हैव सम सफर, क्या तुम कुछ सफर लेना चाहते हो, रात्रि में सोने से पहले कुछ लेना चाहते हो?
लंच किसे कहते हैं? दोपहर के भोजन को कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अंग्रेजों में ज्यादातर लंच होता ही नहीं है, केवल डिनर होता है। मेन भोजन को जो 12 घंटे में मेन भोजन होता है, उस मेन भोजन को डिनर बोलते हैं वो लोग। डिनर, रात का भोजन, इट इज टाइम फॉर डिनर। सफर, सोने से पहले का भोजन। लंच, दोपहर का भोजन कहलाता है। आई विल सी यू ओवर लंच, मैं लंच पर तुमसे मिलूंगा। मील किसे कहेंगे? जैसे मिड डे मील भोजन को कहते, साधारण भोजन को, जैसे मिड डे मील स्कूलों में बढ़ता है तो उसको मील कहेंगे, अर्थ उसका भी भोजन ही है। ही ईट्स 3 मील्स ए डे, वो एक दिन में 3 बार भोजन करता है। वी हैड ए हेस्टी मील, अब इसको देखने की ज्यादा ध्यान से जरूरत है, हमने जल्दी जल्दी खाना खाया। आई हैड ए हेस्टी मील, मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, ट्रेन पकड़नी थी, बस पकड़नी थी। वी हैड ए हेस्टी मील, हमने जल्दी जल्दी खाना खाया। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।